नमस्कार, AKS University की खबरों के साथ मैं हूं सत्य भूषण सिंह और विश्वविद्यालय के लाइव स्टॉक का रुख किया है। आज हमने लाइव स्टॉक जहां पर एक बड़ी गौशाला है, गौशाला के इंचार्ज प्रोफेसर चतुर्वेदी से हमने बातचीत की। चतुर्वेदी जी, यहां कितने गायों का स्टॉक है अभी? यहां अभी करीब हमारे प्रेजेंट टाइम में 20 गाय हैं, जिसमें से 12 गाय दूध दे रही हैं और 8 गाय अभी मतलब दूध नहीं दे रही है। 12 गाँव में से जो हमारा डेली का प्रोडक्शन है इस समय, एक टाइम का 50 लीटर है, दोनों टाइम का मिला के 1 क्विंटल करीब हो जाता है। और ये हमारा जो सेलिंग है, हमारे जो यूनिवर्सिटी में जो स्टाफ मेंबर हैं उनको सेलिंग होती है, कुछ मात्रा में हमारे जो मैनेजमेंट है उनके यहाँ भी प्रोवाइड किया जाता है। सारा का सारा दूध हमारे यहीं यूनिवर्सिटी में ही कंजप्शन हो जाता है इसका। और आपको ये बता दें कि विश्वविद्यालय की गौशाला में एक गाय है सीता, जिसे मध्य प्रदेश शासन का भी अवार्ड मिला है जी। ये है सीता आपके स्क्रीन पर, और चतुर्वेदी जी ने इसके बारे में कुछ बताया। सर, ये एक्चुअली हमारे यहाँ गाय हमारी एक 6-7 साल से है हमारे यहाँ डेयरी में, और ये जो हमारी गाय है तो इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है डेली का 12-13 लीटर पर डे है। और इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे कि इसका जो एन है थोड़ा सा साइज में अच्छा है, कद और काठी भी अच्छी है। और ये गाय हमारी ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी नंबर 1 आई है, और गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको अवार्ड मिला है। तो यहाँ एक मशीन है हमारी, उसमें कटिंग होती है। मशीन का नाम क्या है जिससे हम लोग इनका दूध दूहते हैं? वो एक मशीन है हमारी, एक कंपनी की आई हुई है, जस्ट अभी हमने अडॉप्ट किया है। तो सभी गायों का मिल्किंग उसी मशीन से हम करते हैं। और पहले तो ये था कि हाथ से होता था, लेकिन ये हुआ कि थोड़ा सा इनमें सफाई सैनिटेशन ज़्यादा होना चाहिए, और हमारा जो हाथ के द्वारा जो मिल्किंग होती है उसमें हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो, उसको रोकने के लिए हमने मशीन को अडॉप्ट किया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का उपयोग करके हम मिल्किंग प्रोसेस करते हैं, तो फास्ट भी हो जाता है। किस नस्ल की गाय है ये? ये हमारी हरियाणा मतलब ये साहिवाल नस्ल है, और ये हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश के लिए सुटेबल है। इसका जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा है और इसकी हैबिट बहुत अच्छी है, शांत गाय है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती इनको मतलब बाहर निकालने में, अंदर करने में बहुत शांत गाय है। ऐसा भी कहा जाता है कि जानवर बड़े संवेदी होते हैं, तो क्या ये कल्लू भैया को देख के और साहू जी को देख के इनकी आवाज़ भी पहचानती है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरह से। बच्चे जैसे ही लगाने का टाइम होता है तो ये समझ जाती है कि हमारे कल्लू भैया आ गए हैं, बस मिल्किंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है मिल्किंग के लिए, तो बच्चे वो अपने आप माँ को पहचान के अपने माँ के पास आ जाते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कुछ और लाइव स्टॉक के कुछ बछड़े जी, जो इसी प्रजाति के हैं, और कुछ और गायें। आइए दिखाते हैं आपको कुछ झलकियाँ। इसी के साथ ये दूध दुहने वाली मशीन है और ये चारा काटने वाली मोटर मशीन है। विश्वविद्यालय की खबरों के साथ मैं था सत्यभूषण सिंह, फिलहाल इतना ही। नई जानकारी के साथ करेंगे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।